राधे राधे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में ऋषि भृगु को ये सोचते हुए दिखाया जाता है कि यदि भार्गवी मुझे छोड़ के चली गई, पूरे ब्राह्मण समाज से समृद्धि चली जाएगी। फिर वो कहते हैं कि लक्ष्मी के श्राप को फलित नहीं होने दूंगा। इधर हमारे श्रीनिवास की एंट्री होती है, उन्हें गोविंद राज यानी बलराम दा से बातें करते हुए दिखाया जाता है। दोनों रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे हैं। गोविंद राज श्रीनिवास से यह कह रहे हैं कि हम दोनों अपना घर गांव छोड़कर यहाँ इसलिए आए हैं कि कोई नया काम ढूंढ सके, अपना घर बसा सकें। तब श्रीनिवास कहते हैं कि मैं यहाँ उसे खोजना चाहता हूँ जिसके साथ मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। वो भार्गवी अर्थात देवी लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। इधर राजकुमारी पद्मावती मंदिर में नृत्य प्रतियोगिता के लिए आती है। जब प्रतियोगिता आरंभ होता है तब उधर महादेव भी नृत्य करने लगते हैं। तब देवी पार्वती उनसे प्रसन्न होने का कारण पूछती है तो वह कहते हैं इस घटना का सूत्रधार और साक्षी मैं ही हूँ और बड़ा ही आनंद आने वाला है। इधर श्रीनिवास संगीत का अभ्यास कर रहे हैं तो गोविंद राज उनसे ऐसा करने का कारण पूछते हैं। तब श्रीनिवास कहते हैं कि मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना है। तब गोविंद राज कहते हैं दोनों समय के भोजन के लिए हमारे पास धन नहीं है। तब श्रीनिवास कहते हैं किसी स्थान पर जाकर वहाँ का भोजन नहीं चखोगे तो अर्थ ही क्या होगा उस प्रवास का। फिर वो कहते हैं कि वहाँ की भोजन से वहाँ की बहुत ही जानकारी ज्ञात हो सकती है। आप भोजन चखा के तो दिखाइए, ऐसी ऐसी जानकारी बताऊंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर दोनों नगर में एक हलवाई के पास जाते हैं। इधर भार्गवी को उसकी सखी नृत्य देखने के लिए बुलाने आई है। भार्गवी को जाने की इच्छा तो होती है पर उसे अपने पिता का दिया हुआ वचन याद आ जाता है और वह जाने से मना कर देती है। इधर श्रीनिवास को भोजन करते हुए दिखाया जाता है। वो गोविंद राज के हिस्से का भी भोजन कर लेते हैं। तब गोविंद राज पूछते हैं बताओ क्या बताने वाले थे इस स्थान के बारे में। तब श्रीनिवास बताते हैं कि आज हमें यहाँ सुंदर सुंदर कन्याओं का दर्शन होने वाला है। वो हमारा स्वागत करेगी, सत्कार करेगी, फिर हम उन्हीं की सहायता से इस सुंदर सी नगरी में बस जाएंगे। फिर हलवाई को यह कहते हुए दिखाया जाता है कि यह सच है कि यहाँ नटराज के मंदिर में सुंदर सुंदर कन्याएं उपस्थित है नृत्य प्रतियोगिता के लिए, पर वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता, वो सिर्फ स्त्रियों के लिए है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।